हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जांपल 3 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बोला गया है सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए कैलिडोस्कोप बनाती है। शी वॉन्टेड टू चार्ट पेपर ऑन टू मेक कवर सरफेस ऑफ द कैलिडोस्कोप। वो इसके ऊपर क्या चाहती है, कई कलर शीट चलाना चाहती है, कलर पेपर। What would be the area of chart paper required by her? She wanted to make a kaleidoscope of length 25 cm. यानी कि जो ये है, इसकी जो लेंथ है, बेसिकली फ्रेंड देखने में तो ये लेंथ है, लेकिन लेंथ नहीं, ये इनडायरेक्ट लैंग्वेज में मेरे को हाइट दे रखी है। कितनी है? 25 cm। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 3.5 cm। तो बताओ इसमें कितनी शीट की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली फ्रेंड ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मान लो ये मेरे कैलिडोस्कोप है कोई, ये ठीक है, तो इसके ऊपर मेरे को कोई कलर शीट चढ़ानी है। तो बेसिकली मैं कलर शीट को कहाँ पे चढ़ाऊँगा, यहाँ पे। तो इसका जो, इसको क्या बोलते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो इसका एरिया निकाल दूंगा बस मैं, सिंपल इतने क्वेश्चन बोला गया। तो लिखता हूँ यहाँ पे मैं आंसर में, सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप, ठीक है, बेलनाकार कैलिडोस्कोप है जिसकी हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। हमें एरिया बताना है, एरिया ऑफ कलर शीट सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप। ठीक है, यानी कि कैलिडोस्कोप का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो कागज चढ़ेगा वो यहाँ चढ़ेगा, इसे बोलेंगे सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh। दो, पाई की वैल्यू क्वेश्चन बोल रखी है कि 22/7 ले सकते हो, आर 3.5 एंड एच 25, इससे कटा 7×5=35, 22×2=44। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना है 12.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 550 cm². ठीक है, और फ्रेंड इसी के साथ मेरे एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। तो पहले एग्जांपल नंबर 4 को मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड एग्जांपल नंबर 4 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बोला क्या है, फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हूज लेंथ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब ये है, कोई कोन है मेरे पास, जैसे कि ये, ठीक है, ये होती है वर्टिकल हाइट जिसे एच बोलते हैं, ये होती है स्लेंट हाइट जिसे एल बोलते हैं, और ये होती है आर। तो बेसिकली इसमें स्लेंट हाइट हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और हमें पूछा कवर्ड सरफेस एरिया। तो बेसिकली फ्रेंड कवर्ड सरफेस एरिया होता क्या है, जैसे मान लो मैंने कोन का एग्जांपल यहाँ पे, जो रेड कलर की शीट नज़र आ रही है इसे बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, पहले मेरे पास एक कोन है शंकु, जिसमें एल दे रखा है 10 और आर दे रखी है 7, और पूछा क्या है कवर्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा इसका, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में चेक करते हैं, अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो 22/7, नहीं दे रखी तो 22/7, दे रखी तो 3.14, नहीं गिवन तो 22/7, आर 7 एल 10 आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई कितना आया 220 cm². इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर फ्रेंड आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।